हेलो माय क्रिएटिव बडीज, लॉर्ड कृष्ण के पोर्ट्रेट के पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया बेसिक ड्राइंग कैसे करते हैं और फेस की शेडिंग और मिक्सिंग कैसे करते हैं। पार्ट टू में इनके ऑर्नामेंट्स और गार्लैंड्स और पगड़ी में कैसे डिटेलिंग की जाती है वाइल यूजिंग लेड पेंसिल एंड थोड़ी बहुत मिक्सिंग भी करेंगे वाइल यूजिंग 2B पेंसिल। तो वो कैसे करते हैं ये डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है कि ड्राइंग कैसे की है और फेस की मिक्सिंग शेडिंग कैसे की है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा, तो आप जाके सबसे पहले उसे देखिए और कंटिन्यूशन के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। तो अभी मैं काम कर रही हूँ पगड़ी में जिसमें बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग का काम किया जा रहा है। 2 पेंसिल्स यूज कर रही हूँ जैसे पहले बताया है और उसके साथ मैं यूज कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड। तो 2B पेंसिल जहाँ भी शेडिंग मिक्सिंग करनी है और फाइन ड्राइंग और पैटर्न ड्राइंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ 0.5 लेड पेंसिल। ये एक नॉर्मल लेड पेंसिल है, स्पेसिफिकली पेंसिल शेडिंग की लेड पेंसिल नहीं है। बट बेसिक चीज़ों से कैसे आर्ट में एक वाव फैक्टर लाया जाता है यही मेरा मोटिव रहता है अपनी वीडियोस के थ्रू। तो अगर और पेंसिल स्केच के आइडियाज़ आप देखना चाहते हैं तो उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे इस चैनल में। बहुत सारी पेंसिल शेडिंग स्केचेस के अलावा नो कॉस्ट DIYs कैसे करते हैं, कैसे पुरानी चीज़ों का मेकओवर करते हैं, होम ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, क्राफ्ट कैसे करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आर्टिकल कैसे बनाते हैं, बहुत 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 सारा क्रिएटिव कंटेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। पगड़ी की एक साइड कंप्लीट हो गई है, अब हम काम कर रहे हैं पगड़ी की दूसरी साइड में जहाँ बेसिक स्टेप देने के बाद बेसिक स्टाइल डिज़ाइन करने के साथ साथ हम एक ब्यूटीफुल से ब्रॉच पे भी वर्क करने लगे हैं। एक बहुत ही स्टाइलिश ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक सा ब्रॉच हम यहाँ इस साइड में डिज़ाइन करने वाले हैं जो इस पोर्ट्रेट को एक अलग ही लुक और बहुत ही इनहेंस कर देगा इसकी ब्यूटी को। तो ब्रॉच क्रिएट करने से पहले एक बेसिक सी शेडिंग दे देते हैं मिक्सिंग के लिए। अगर ब्लेंडिंग स्टेप नहीं यूज करना चाहते आप फिंगर से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैंने एक वेस्ट पॉलिथीन या पेपर पीस रखा है, तो जहां भी आपकी मिक्सिंग शेडिंग हो गई है वो स्मच नहीं हो, आपके हैंड से ख़राब नहीं हो, इसीलिए हमेशा कोई भी वेस्ट पेपर या पॉलिथीन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे सेव करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पेंसिल स्केच बनाऊं, तो मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अपना फोटोग्राफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें और अगर कुछ पेंसिल स्केचेस रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो भी आप मुझे वहाँ शेयर कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी देयर और DM मी ऑन माई इंस्टा ID एंड फेसबुक पेज, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ब्रॉच की डिटेलिंग आई होप आपको अच्छी लग रही हो। तो अब इस पगड़ी को कुछ बीट्स के साथ पिरोया जाए। तो मैं बना रही हूँ ये पर्ल बीट्स की एक चेन जो इस कंप्लीट पगड़ी को ब्यूटीफुल लुक देने वाली है और थोड़ी बहुत डिटेलिंग पगड़ी में जैसे कि दूसरी साइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस साइड भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग करती है। भगवान से जुड़े
पोर्ट्रेट बनाना आप आस्तिक हैं नहीं है वो अलग पहलू है, बट एक अलग काइंड ऑफ मेडिटेशन होती है मेरे लिए, जो दिमाग को एक शांति एक सुकून प्रदान कर देती है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे दिए गए हुए इस प्रोसेस को फॉलो करें और पोर्ट्रेट बनाएं। तो इसी के साथ हमारी पगड़ी कंप्लीट हो जाती है और अब हम बांसुरी पे वर्क करने लगे हैं। इन्हें सिर्फ वन साइड में शेडिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और लाइनर जितना भी इम्पैक्ट आपको दिख रहा है शेडिंग का, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। हमारी ब्लेंडिंग टूल जो कि है ये वर्ड वो सब हैंडल कर लेगा। और अब फर्दर डिटेलिंग के लिए 0.5 लेड पेंसिल। तो देखिए बांसुरी तैयार। अब साइड बॉडी पार्ट के साथ गार्लैंड पे वर्क करने का टाइम आ गया है। तो ये नेचुरल फ्लावर से बने गार्लैंड पहनते हैं, तो इसीलिए लॉर्ड कृष्णा के लिए मैं भी जो गार्लैंड बना रही हूँ उसकी लुक बिल्कुल नेचुरल आएगी। अगर आपको ये वीडियो ये पोर्ट्रेट अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बनता है, तो आप लाइक बटन हिट कीजिए। और जो भी लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं जिन्हें आप डेडिकेट करना चाहते हैं पोर्ट्रेट, उनसे शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप 6B 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं हेयर्स के स्ट्रोक्स को क्रिएट करने के लिए। बेसिकली हमें एक डार्क टोन पेंसिल की रिक्वायरमेंट होती है बालों की लुक देने के लिए। तो जितना भी बांसुरी के बाद का स्पेस आपको नजर आ रहा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे हेयर्स बनाने के लिए, और हेयर्स बनाने के साथ ही हमारा ये पोर्ट्रेट अपनी लुक को कंप्लीट करेगा। क्योंकि ये पोर्ट्रेट मैं नाइट में बना रही हूँ, कुछ मच्छर हैं जो पोर्ट्रेट में आपको नज़र आएंगे, बट क्योंकि वेदर में ये मच्छर बहुत हो रहे हैं तो इसके लिए मुझे माफ़ करें। तो देखिए बालों का एक लुक हमने क्रिएट कर दिया है जो पोर्ट्रेट को एनहेंस कर रहा है। और अब एक हल्का फुल्का फिनिशिंग टच जिसके साथ हमारा पोर्ट्रेट हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। बट एक मेन चीज रह गई है, वो है आर्टिस्ट का नाम लिखना। तो मैं हूँ कविता, आपकी होस्ट, आपकी वर्सेटाइल फोटो में इस क्रिएटिव डिजाइन के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत।